14 देखिए क्या कह रहा है कि टेन इफ टेन एक्स इक्वल टू 1/7 टेन वाई इक्वल टू 1/3 एंड कॉस 2x इक्वल टू साइन के वाई देन के का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉस 2x की वैल्यू बात करें तो ये 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई में 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसका वैल्यू देखिए 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर और नीचे 1 प्लस का 1/7 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/49 और नीचे 1 प्लस का 1/49। एलसीएम लेते हैं ऊपर 49, तो 49 माइनस का 1 और यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 49, तो आ जाएगा 49 प्लस का 1, ये कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 48 बाई में 50, यानी आ जाएगा 24 बाई में 25 कॉस 2x का वैल्यू। अच्छा अगर हम लोग शुरू करते हैं, देखो क्या करते हैं हम लोग, पहले निकालते हैं यहाँ पर tan 2y क्या, ऐसा क्यों करें अभी आपको पता चल जाएगा। 1 माइनस का क्या हो जाएगा, सॉरी tan 2y क्या, तो 2 tan y बाई में यहाँ पर ले लेते हैं 1 माइनस का tan स्क्वायर y, सॉरी 2 इंटू में इसका वैल्यू 1/3 है tan y का और नीचे आपका 1 माइनस का 1/3 का स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं क्या होता है, तो देखिए ऊपर हो जाएगा 2/3 बाई में नीचे 1 माइनस 1/9, एलसीएम लेते हैं 2/3 बाई में एलसीएम हो जाएगा 9 माइनस का 1, तो यानी आ जाएगा अब यहाँ पे 2/3 इंटू में 9 बाई में 8, ये 3 जो 9 और 2 4 जाए 3/4 आ जाएगा यहाँ से tan 2y। तो अगर हम लोग यहाँ पे साइन 4y की बात करें तो आप इस पर लिख सकते हैं साइन 2 इंटू में 2y, तो tan के फॉर्म में इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस का tan स्क्वायर, सॉरी साइन टू एक्स वाला ना, तो हो जाएगा इसका 2 tan 2y और y में 1 प्लस का tan स्क्वायर 2y। चलिए अब इसके वैल्यू को रखते हैं क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 3/4 और y में नीचे 1 प्लस का 3/4 का स्क्वायर, तो यहाँ देखिए यहाँ पर 2 3 6 और y में 4 और नीचे 1 प्लस का 9/16। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 6/4 और y में 16 एलसीएम होगा 16 प्लस का 9, यानी आ जाएगा 6/4 इंटू में 16/25। तो यहाँ देखिए आप काट सकते हैं 4 4 16, यानी कितना आ जाएगा 24 और बट्टा में 25, तो ये 24/25 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि cos 2x जो है ना sin 4y के इक्वल हो रहा है, और चूंकि हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि cos 2x इक्वल टू में sin ky, तो देयरफॉर k का वैल्यू यहाँ से 4 ना हो जाएगा। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन।